लेकिन तो थोड़ा सा टच लाइन से दूरी बना ले हमारी कमेटी के प्रति रहा है और आशा करते हैं कि अंतिम घड़ी में भी इस अंतिम मेला में भी आपका बहुत अच्छा सहयोग हमारी कमेटी को मिलने वाला है। तो इसलिए सभी दर्शकगण थोड़ा सा और संयम बनाकर रखें। हम समझ सकते हैं कि जगह की थोड़ी सी कमी है लेकिन उसके बावजूद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रकाश आपके पास में कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों का चढ़ना कमाल होता है। बात रखने वाले बात अभी तक बुलंदियों पर ठहरना क्या है। और हमारे बीच इस स्टेटमेंट से मंचाते हुए हैं को स्टॉल लगाकर और साथ ही साथ हमारे बीच से उपस्थित होकर मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर सुनील और विकास ने जिस तरह से फुटबॉल खेला है वही काबिले तारीफ। और जो हजारों की संख्या में जो दर्शक आज मैदान के बाहर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, कहीं न कहीं जो उम्मीद लेकर आए थे एटीए से टोलागिरा के स्टैंडन पर कि हो न हो हमें काफी बेहतरीन फुटबॉल का मैच देखने को मिलेगा, खेल का प्रदर्शन दिखाया है। इसलिए अंतिम बेला में भी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत के साथ साथ आभार प्रकट करते हैं। आपका बहुत अच्छा सहयोग हमारी कमेटी को मिल रहा है और कुछ समय इसी तरह से सहयोग देते रहे तो निश्चित तौर पर जो दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का हम लोग सफल आयोजन करने का जिम्मा लेकर काफी दिनों से इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन का प्रयास कर रहे थे, हमारे प्रयास सफल हो गए और इस बार भी काफी तेज तर्रार की गाइड थी। अख्तर हुसैन जी से और साथ ही साथ मोहम्मद करीम जी से क्या पुणे खेलों का गुलदस्ता देकर इस मंच पर सम्मानित करेंगे। प्रकाश सुन रहे हैं अख्तर हुसैन जी और मोहम्मद करीम जी और निश्चित तौर पर सम्मान देना बनता है और फिलहाल फूलों का गुलदस्ता देकर और साथ में सॉल देकर के सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती ज्योति सेनापति जी को। प्रकाश एक और हमारे लिए मेहमान नहीं है, ये मेजबान है, इस परिवार के साथ हिस्सा है और इनका भी क्या कारा क्या देखते हैं खेला है क्या घर शुरू हुई है तो इन दोनों का बहुत बड़ा सभी पर गोलों की बारिश और ठाकुर में इतना खेल